हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राइट नाउ आई एम गोइंग टू पूर्णागिरी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। देखिए आप, भीड़ है अच्छी खासी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनबसा पहुंच चुके हैं। यहां से निकलेंगे तो पहले कोले पे जाके रुकेंगे। जहाँ सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर धाम, और आगे हम लोग गाड़ी करने वाले हैं। गाड़ी मिल जाए उसके बाद आते हैं। अभी हम दो लोग आ चुके हैं, अभी और सात लोग बाकी हैं। अभी आके गाड़ी बुक करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, बस स्टेयर्स चल चुके हैं, गाड़ी बुक करेंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या रहता है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के बाहर। आप लोग देख सकते हैं, बस आ चुके हैं स्टेशन के बाहर और अभी बस गाड़ी के लिए निकल रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की शॉप्स। बहुत अच्छी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, क्राउड अच्छी खासी है। आप लोग देख सकते हैं स्टेशन पे ही काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, हर तरह की चीज़ मिल जाती है आपको, जो भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं। अगर ऊपर छूट भी जाती है तो आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कुछ भी देखिए, भूख लगती है तो उसके लिए आपने खाना वगैरह भी यहाँ पे मिल सकता है, सारे देख सकते हैं। सो आइए चलते हैं और आगे। अभी ये लोग देख रहे हैं गॉगल्स लेने के लिए, धूप इतनी हो जाती है मॉर्निंग में, सो इसलिए देख रहे हैं ये लोग, देख सकते हैं। आप लोग प्रसाद ले सकते हैं, देखिए प्रसाद की भी शॉप यहाँ नीचे मिल जाती है। ऊपर से प्रसाद चढ़ाने के बाद घर पे बांटने के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है जी। आइए, अभी हम लोगों ने ली है जलेबी खाने के लिए। खिलाओ भैया, खिलाओ भैया, राम राम, जय माता दी। खाने के लिए ली हैं तो बड़ी ही टेस्टी हैं, बिल्कुल गर्म बन रही थी इसलिए खाने का मन हो गया। चलो यहाँ से गाड़ी नहीं मिली, थोड़ा सा आगे चल के गाड़ी यहाँ पर जो मिलती है उसको ही करना पड़ेगा। ओके स्वाई, अभी हम लोग आ चुके हैं पहले खोले पे, आगे जाने वाले जय बोलो जय माता दी। आइए चलते हैं अब आगे की ओर। अभी हम सब लोग पहुंच चुके हैं पहले खोले पे और अभी बस चढ़ाई शुरू होने वाली है। सभी लोग एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, शेरो वाली माता की, पूर्णागिरी वाली मैया की। आइए देखिए, मैं आपको मेन गेट दिखाता हूँ। ये देखिए काफी अच्छा डेकोरेट हो रखा है। आप लोग आते हैं तो आप लोगों को भंडारे के तौर पर बहुत प्रसाद खाने को मिलेगा, वो चाहे कढ़ी चावल हो, छोले पूड़ी हो, छोले चावल हो, बहुत सारी चीज़ आपको खाना लाने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत प्रसाद यहाँ पे मिलता है, आप लोग खा सकते हैं बहुत अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे भंडारे लगते हैं जगह जगह पे आपको। तो अभी सब लोग ले रहे हैं आइसक्रीम, ये चौकोबार निकाल दो, 9-10 पीस लाओ। आइए टेस्ट लेते हैं खाने के बाद का, चौकोबार का सभी लोगों का। हेलो ब्रेंडा, सॉरी हेलो ब्रेंडा। ये देखिए चढ़ाई है, अभी बहुत अच्छी खासी भीड़ भी बहुत हो जाती है, देख सकते हैं आप लोग। बस चढ़ाई कर रहे हैं, पानी जरूर साथ में रखें। हेलो गाइस, थकान बहुत हो गई है और अभी मेन गेट है जहाँ पे पार्किंग स्थल है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और उसके थोड़ा सा आगे लगभग 50 मीटर की दूरी पे हम लोगों ने स्टे कर लिया है। पैरों में भी जान नहीं रह गई है, थकान भी अच्छी खासी हो गई है। जय हो माता रानी की। ये हम सभी लोग पड़ गए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी जग चुके हैं, फ्रेश हो लिए, नहा लिए, अभी रेडी हैं बस मंदिर दर्शन जाने के लिए। सो अभी बस प्रसाद लेना है, उसके बाद चलते हैं हम सभी लोगों को मंदिर दर्शन के लिए। आइए इधर हम सभी लोग।
सो अभी हम सभी लोग मंदिर के लिए चल दिए हैं। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे, श्री पूर्णागिरी वाली माता की, भैरव बाबा की, सच्चे दरबार की, मैया के प्यार की, जयकारा सेरा बलिदा सच्चे दरबार की जय। सो गाइस अब इन पकड़ियों से आते आते ऊपर तक आ चुका हूँ और ये है बाहर। मॉर्निंग होने वाली है, सुबह का टाइम हो चुका है 5:07। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए पहाड़ी मंदिर, अच्छी खासी दूर है, भीड़ भी अभी है। ये देख सकते हैं आप, मेन मंदिर है माता रानी का, चारों तरफ यहाँ मन्नत का धागा। अबे सब आधी मांग लेगा क्या? हो गया ₹10 में पूरा आम। बहुत मंदिर देखिए, ये सब चढ़ाई है, यहाँ से चढ़ के जाना पड़ता। हम ये चढ़ के आए हैं। यहाँ से बिल्कुल खाई ही नहीं, जो रास्ता है दिख रहा है वो वैसा कुछ नहीं, रास्ता ऊपर से ही आता है नीचे जाने के लिए। बीच बीच में चाबी बने हुए हैं, थान आराम कर सकते हैं। ये मेन गेट है मंदिर का, यहीं से चढ़ाई होती है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर तक जाना है, जाना है। गाड़ी पार्किंग इससे थोड़ा सा पीछे है, गाड़ी इससे आगे नहीं जाती, यहीं तक हैं बस गाड़ियाँ। यहाँ से आपको सीढ़ियों की चढ़ाई चढ़नी ही चढ़नी है। दो तरह की चढ़ाई है, चाहे सीढ़ी से जाइए चाहे प्लेन रोड से जाइए। मैं तो दोनों साइड से प्लेन रोड से ही गया था, हल्के फुल्के स्टेयर्स तो मिलती ही मिलती है। ठीक है, ओके जी। अभी हम सब आ चुके हैं शारदा घाट, और शारदा घाट में नहाने का प्लान हो रहा है। देखो पानी अगर बहुत ज़्यादा अधिक नहीं हुआ तब नहाऊंगा। बाकी यहाँ पे अभी मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, गर्मी बहुत हो गई है, मीन धूप। ये देखिए चारों साइड पानी ही पानी है नहाने के लिए। मजा नहीं आ रहा है।
ठीक है चलो बोले कोई ना चलो चलो